Bismillahirrahmanirrahim. Commerce Education Platform. Question 14. From the following particulars, prepare a bank reconciliation statement of Mr. Khubayb as on 31st December 2015. पहले ये तीन लाइनें मुकम्मल करें. नेम, स्टेटमेंट नेम और स्टेटमेंट प्रिपरेशन डेट. बैलेंस एज पर पासबुक और कुछ नहीं लिखा कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है. तो आप जानते हैं कि अगर कुछ ना बताया हो तो हम उसको फेवरेबल समझेंगे. तो इधर लिखिए बैलेंस एज पर पासबुक. फाइव फोर थ्री फोर. अब आपको इलम है कि जो पासबुक होती है इसका फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है. कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट. तो इधर मैं लिख रहा हूँ क्रेडिट बैलेंस. अब आप ये बुक डील कर रहे हैं, पीछे जितने भी सवाल आए उसमें आपके पास कैश बुक थी, इस क्वेश्चन में आपके पास पासबुक है. तो इसका जो बैलेंस है ये मैं इधर लिख रहा हूँ क्रेडिट साइड पे 5434. चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड रुपीज 1060. चेक इशू किए पार्टी ने, कस्टमर ने चेक इशू किए लेकिन इधर नहीं पहुँचे अभी तक. अब ही क्या हुआ, ये काम इधर हो चुका है, यानी कस्टमर ने जब चेक इशू किए होंगे पार्टी नेम डेबिट और बैंक क्रेडिट किया होगा. कस्टमर ने क्रेडिट किए इधर. अब आपने इसके एंगल से देखना है कि जो काम इस पार्टी ने कर लिए हैं इधर नहीं हुए वो करने हैं. तो इधर ये क्रेडिट है तो इधर हम इसको डेबिट कर लेंगे, यानी जो काम दूसरी पार्टी कर ले आपने नहीं किए हो तो उसको कर लीजिए. इधर ये चेक क्रेडिट हो चुके हैं, इधर फिर ये डेबिट हो जाएंगे. नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. कस्टमर ने चेक जमा कराए थे बैंक में तो कस्टमर ने क्या कि अपने पास बैंक को डेबिट कर लिया. लेकिन हम इसको डील कर रहे हैं पासबुक को, हमें ये पैसे आगे से नहीं मिले. तो जब तक हमें इन पैसे नहीं मिलेंगे हम कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते. तो लेकिन अब हम बना रहे हैं रिकंसिलेशन. तो रिकंसिलेशन में हमने अपना बैलेंस जो है वो बराबर करना है दूसरी पार्टी के बैलेंस के साथ. तो जो काम उसने किया है हम भी कर लेंगे. इधर ये क्या हुआ, डेबिट हुए, इधर हम इसको क्रेडिट कर लेंगे और ये चीज़ रिकंसिलेशन में लिखी जाती है. एक्चुअली जो बुक में होगी वो तभी होगी जब इसको आगे से पैसे मिलेंगे. उम्मीद समझ आ गई होगी आप डील कर रहे हैं पासबुक. तो आपने जो काम दूसरी पार्टी ने किए हैं आपने करने. कस्टमर ने क्या किया, जब चेक जो है बैंक में जमा कराए उसने डेबिट कर लिया, आप उसको क्रेडिट कर लेंगे. इधर उसने अपने जो बुक में क्रेडिट कर लिया बैंक का कॉलम, इधर हम उसको डेबिट कर लेंगे. तो ये है वो कि जो काम दूसरी पार्टी ने किया हमने भी कर लिया. नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक. बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो इसने क्या किया था, कस्टमर का खाता डेबिट कर दिया था 36. अब इधर नहीं हुए और ये हम खड़े हैं पासबुक पे, इस बुक को तो हम छेड़ ही नहीं सकते. तो अब हम क्या करेंगे कि जब डेबिट किया है उसको हम रिवर्स कर लेंगे. अब यहाँ हमने वो काम रिवर्स करने हैं जो हमने किए हैं. तो पासबुक में दो काम हुए होते हैं, डेबिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक. तो इसने अपने काम रिवर्स करने. इधर हम क्या करते थे, कैश बुक जब डील कर रहे थे तो वो काम रिवर्स करते थे जो इधर हुए हैं. और वो दो चीज़ें थी, चेक्स इशूड और चेक्स डिपॉजिटेड. तो अब इधर जो है ये दूसरी चीज़ें रिवर्स होंगी,
इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक 36, उसने डेबिट किया तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी रुपीज 70, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कस्टमर ने कोई खरीदी हुई है सिक्योरिटीज तो बैंक ने क्या किया, उसके खाते को क्रेडिट दे दिया, उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो वो बैंक क्रेडिट कर देता है, बैंक ने क्रेडिट कर लिया, लेकिन वो इधर तो डेबिट नहीं हुए तो अब हम क्या करेंगे, इस 70 को जो पहले क्रेडिट हो चुका है इसको डेबिट करेंगे, रिवर्स करेंगे यानी, तो हम इसको इधर लिख देंगे। अब ये आपकी एंट्रीज कंप्लीट होगी। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। अब हमारा जो बैलेंस है ये 5434, तो इसमें क्या है, ये 690 ये क्रेडिट है, ये इसमें जमा हो जाएंगे, ये भी क्रेडिट है, ये जमा हो जाएंगे, और ये दो चीज़ें हैं जो डेबिट हो रही हैं ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले वो चीज़ें लिखेंगे इधर ऐड होने वाली, इसमें क्या ऐड होगा, 690 और 36, इनकी नरेशन लिख दें। 690 जो हैं वो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स, और 36 जो हैं इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज, इन दोनों को जमा करें और इधर ले आए 726। अब इसको इसमें जमा कर दें, अब ये चीज़ें डेबिट हो रही हैं, ये माइनस होंगी, इधर हम लिखेंगे लेस 1060 और 70, ये जो हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स, और ये है इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये इसमें से माइनस कर दें, ये आ गया 5030। इधर ये जो बैलेंस है ये चल रहा है क्रेडिट बैलेंस, तो कस्टमर की बुक में ये होगा डेबिट बैलेंस, इधर आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि पहले आप इधर ही जिस बुक को डील कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बुक कर रहे हैं, कैश बुक कर रहे हैं तब भी ठीक है, पासबुक कर रहे हैं तब भी ठीक है, तो जो बैलेंस भी आपको दिया जाए आपने उस बुक के एंगल से देखना है, तो जो काम इधर हो गए इधर नहीं हुए तो वो इधर रिवर्स करेंगे, जो इधर हो गए हैं इधर नहीं हुए वो कर देने, ये चेक इधर डेबिट हुए इधर क्रेडिट नहीं हुए थे आपने कर दिए, ये इधर क्रेडिट हुए थे इधर डेबिट नहीं हुए आपने कर दिए, ये देखिए नज़र आ रहे हैं अब, ये जो दो चीज़ें हैं ये इधर हो गई थी लेकिन इधर नहीं हुई तो आपने क्या किया, इनको रिवर्स कर दिया था, 36 पहले डेबिट किया था आपने उसको रिवर्स करके क्रेडिट कर दिया, 70 क्रेडिट था आपने उसको डेबिट कर दिया, तो आपका जो बैलेंस है ये निकल आया कैश बुक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन की।